आप देखो अपने में जो दूसरा चैप्टर चल रहा है उसके अभ्यास प्रश्न चल रहे थे और दूसरा प्रश्न चल रहा था। अब दूसरे प्रश्न का क व और ख का हल करेंगे। तो ख में संधिम कुरुत, संधिम कुरुत संधि करिए जो विच्छेद दे रखे हैं उनमें, जैसे मी धने अवसत, मी धने अवसत। तो इसमें ई के बाद ए भिन्न स्वर आ गया, न में ई की मात्रा है और ई के बाद ए भिन्न स्वर आया, तो ई का ये जाएगा कि न अनंत हो गया और ई का ये हो गया, ये में ए मिल गया तो ये पूरा हो गया और आगे वाला पद ऐसा का ऐसा लिख दिया नये वर्षत। नी धन ए वर्षत का संधि होगा नये वर्षत, कि इसमें यह संधि होती है। फिर दूसरा पद इसमें दिया सूर्य धने उदय, सूर्य धने उदय। तो सूर्य धने उदय में सूर्य य में ए और आगे उ, तो ए के बाद उ वर्ण आ गया तो गुणे व्या ओ, और ओ य में मिला दिया तो यहां सूर्यो और आगे बढ़ गया पद दये, पद बना अपना सूर्योदय, और कौन सी संधि हुई गुण संधि। तीसरे नंबर पर वृक्षस्य, तीसरे नंबर पर यहां वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य धने ऊपरी य में ए ला दिया और ए में ऊ, तो य में ऊ मिलाने पर इसी प्रकार से गुण संधि वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि। फिर चौथे नंबर पर इसमें भी गुण संधि यही है। अब चौथे नंबर का उदाहरण है ही धन ए कार्य, ही धन ए कार्य। अब देखो इसमें है में ई की मात्रा है, ई के बाद ए भिन्न स्वर आ गया तो इसमें है और है में यह में ए मिला दिया, यह पूरा हो गया और है कार्य, यहां है अलंत है और ये पूरा है तो पद बनेगा है कार्य, इसमें यह संधि। चेकाकिनी पांचवे में चेकाकिनी तो च में अ है और अ के बाद ए आ गया तो वृद्धि यही हो गया चई काकिनी, चई काकिनी, च धन एकाकिनी का चई एकाकिनी। अब इसमें छठे नंबर पर इति धने उक्त्वा, इति धने उक्त्वा, तो यहां त में ई मिला हुआ है और त अनंत हो गया, ई के बाद उ भिन्न स्वर आ गया तो ई का हो गया य, और य में उ की मात्रा राधि और कत्वा जोड़ दिया तो इत्युक्त्वा यण संधि, इसमें यण संधि होगी। सातवें नंबर पर प्रथमा
धन्य वदत, प्रति धन्य वदत। तो प्रति धन्य वदत में सही ई के बाद ए भिन्न स्वर, तो यहां अनंत और ये में ए मिला दिया, यह पूरा हो गया और आगे वदत, प्रति वदत, इसमें पद बन गया प्रति धन अवदत का प्रत्यय वदत। यंत प्रधन उक्त्वा, आठवां उदाहरण इसमें प्रधन उक्त्वा, तो प्र में उपसर्ग है ए आरंभ में और यहां उ आ गया, तो ए और उ मिलकर के ओगुण या तो प्रोक्तम प्रोक्तव शब्द बना अपना प्रोक्तव, इस प्रकार से इसमें यहां प्रोक्तव शब्द बन गया। नौवे नंबर पर अत्र धन ईव, नौवां क्या लिखेंगे अत्र धन ईव, तो ए और ए मिलकर के वृद्धि अत्रीव शब्द बना अपना अत्रीव। दसवां तत्र धन उपस्थिता, दसवां उदाहरण है तत्र धन उपस्थिता, तो इसमें त्रय में ए और ये उ और मिलकर के ओ गया, तो ओ त्रैत्र आ गया तत्रोपस्थिता गुण संधि होगी। अब इसमें ग्यारह नंबर पर अंतिम इसका उदाहरण है यथा धन इच्छम, यथा धन इच्छम, तो यथा आ और ई आ या आ के बाद में ई आता है तो ए गुण हो जाता है और ए थैम में मिल गया, तो यथे ए और आ और ई का ए हो गया, ई की मात्रा थै पर आ गई छम यथेछम शब्द बना यथेछम और इसमें भी गुण संधि हुई है। इस प्रकार से ये अपने इसके 11 उदाहरण हैं, ख जो प्रश्न संख्या 2 में ख का है उसमें जिसमें संधि करनी है। हम यहां इसका तीसरा प्रश्न में प्रश्न कहता है स्थूल पदान्यधिकृते, स्थूल पदान्यधिकृते स्थूल पदान्यधिकृते प्रश्न निर्माणम कुरु, प्रश्न निर्माणम कुरु, स्थूल पद जो गहरा काला दिया गया है या एक रेखांकित दिया जाता है और एक स्थूल पद दिया जाता है, उसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करने होते हैं, तो मोटे छपे शब्दों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए, मोटे छपे शब्दों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए।
कि ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, कहने कहता है ग्रामे निर्धना स्त्री, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, कि गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। इसका प्रश्न निर्माण करना है और प्रश्न वाचक शब्द लिखना है, स्थूल पद है निर्धना स्त्री उस स्थान पर। तो इसमें निर्धना स्त्री स्त्रीलिंग आ गया, तो यहाँ आगे इसमें इसका प्रश्न जो बनाएंगे, तो मान लो कि यहाँ प्रश्न बनाते हैं तो ग्रामे और इसके स्थान पर आ जाएगा प्रथमा व्यक्ति है का अवसर, आगे प्रश्न बनता है। दूसरा है स्वर्ण काकां निवारयन्ति बालिका प्रार्थ्यत, कि खेमे स्वर्ण काकां निवारयन्ति स्वर्ण काकां निवारयन्ति बालिका प्रार्थ्यत, बालिका प्रार्थ्यत। तो इसमें प्रसंग में स्वर्ण काकम की सुनहले कोए को रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की, तो यहां ये स्थूल पद दे दिया स्वर्ण काकम। तो प्रसंग बनेगा कि किसे रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की, तो स्वर्ण काकम द्वितीय है विभक्ति, तो कम द्वितीय विभक्ति में पुल्लिंग में आ जाएगा कम। आगे वाला पद ऐसा कैसा लिखेंगे कि निवारयन्ति बालिका प्रार्थ्यत, आगे प्रश्न वाचक से तीसरे में सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थिता। तो इसमें सूर्योदयात पद रेखांकित है, यहाँ सूर्योदयात पद रेखांकित है या स्थूल पद है उसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करेंगे। तो सूर्योदया पंचमी विभक्ति का प्रयोग आ गया, तो पंचमी विभक्ति में क्या आता है कस्मात। अब यहाँ ये निवारण होते ही कि भी इस स्थान पर कौन सा पद आएगा कि कस्मात आएगा, आगे वाला पद ज्यों का त्यों लिखते हैं कि पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया प्रश्न। बालिका ध्यान में, बालिका निर्धन मातु, निर्धन मातु दुहिता आसीत, निर्धन मातु दुहिता आसीत। तो इसमें अब इसका प्रश्न निर्माण करना है, स्थूल पद है निर्धन मातु, तो निर्धन मातु स्थूल पद है उसमें विभक्ति हो गई षष्ठी एकवचन, ये विभक्ति है षष्ठी एकवचन या प्रथमा एकवचन में भी यही पद बनता मातु उकारांत पद में, तो इसमें आ जाएगा कश्य। तो प्रश्न निर्माण करेंगे
एक तो बालिका पद सा कैसा लिखेंगे, इस स्थान पर लिख दिया कश्य, और फिर आगे वाला ऐसा आ जाएगा दुहिता आसी। आगे प्रश्न आता है कि बालिका किसकी पुत्री थी, लुद्धा वृद्धा, इसमें रहने जो इसका पांचवा प्रश्न आ रहा है कि लुद्धा वृद्धा, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्य रहस्यम या रहस्य रहस्यम भी ज्ञातवती, भी ज्ञातवती, भी ज्ञातवती। अब इसमें स्वर्ण काकस्य स्थूल पद आ गया, तो इसके स्थान पर कि लुब्धा वृद्धा ऐसा कैसा लिखना है कि लुब्धा वृद्धा, और स्वर्ण काकस्य कश्य वकी का प्रयोग हो गया, तो इसमें कश्य स्थान पर कश्य, और आगे वाला पद ऐसा कैसा रहस्य रहस्यम भी ज्ञातवती। आगे प्रश्न आता है कि चिन्ह लगा दिया, ये इसका पांचवे का प्रश्न बन गया। इस प्रकार से ये अपना तीसरा प्रश्न इसमें होगा जिसमें प्रश्न निर्माण करने। अब देखो जो चौथा प्रश्न इसमें बनता है, जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उसमें चौथे नंबर पर प्रश्न दिया है कि प्रकृति प्रत्यय संयोजनम कुरु, चौथे में प्रकृति प्रत्यय संयोजनम कुरुत, तो संयोजनम कुरुत यानी मिलाकर के लिखना है, और पाठ से सुनकर के लिखना है। तो जैसे एम ए लिखा है वी धन्य लोक धन्य लयक, लोक धन्य लयक, तो यहां वी लोके लयक का यह शेष रहता है, तो यह आ गया और विलोक्य पद बन गया, यहां विलोक्य। मैंने दूसरा इसका पद दिया है नी क्षिप लयक, नी धन क्षिप धन लयक, तो यहां लयक प्रत्यय आ गया, तो वही नी क्षिप शब्द बनेगा निक्षिप। आगम सहमे आ धन्य गम धन्य लयक प्रत्यय, तो लयक प्रत्यय है तो आगम्य शब्द बनता है आगम्य, और इसमें आगत्य भी इस मय का तय हो जाता है, पद आगम्य भी लिख सकते हैं और आगत्य भी लिख सकते हैं, मय का तय परिवर्तित कर देते हैं। दृश्य यानी दृश्य धन्य कत्वा, धन्य दृश्य धन्य कत्वा, तो यहां दृष्टवा इससे तय का त्वा से तयता है, तो तय का तय हो जाता है और
इसमें स के स्थान पर मूर्धन्य स परिवर्तित हो जाएगा। सी धन कटवा पहले सी धन कटवा तो सहितवा पद बन गया सहितवा। और लघु तमप लघु तमप में मान लो वर्का तो लघु तमप में लघु तम में लघु तम शब्द बनेगा या नपुंसकलिंग है तो लघु तमम। इस प्रकार से ये अपना चौथा प्रश्न जिसमें प्रत्यय जोड़ करके लिखना है। और आगे आपको गृह कार्य के रूप में इसमें यदि गृह कार्य में प्रश्न दो का है तीन व चार करने हैं। जो अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं उसमें दो का खे का बताया तीन का और चार का ये प्रश्न बताएं चार तीन ये करने हैं। धन्यवाद।